बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आबिद इस्माइल एक और स्टॉक लेकर आया हूँ, क्विज फूड। अच्छा, बहुत से लोग कहते भी हैं कि आप ये पेनी स्टॉक को क्यों जो है वो ज़्यादा एनालाइज करते हैं। तो अगर आप मेरी यूट्यूब चैनल में जाके दूसरी वीडियो भी देखें तो मैंने और भी स्टॉक को कवर किया है, जो पेनी स्टॉक से जो ब्लू चिप भी है, HUBC, अब पावर को भी मैंने किया था कवर, इससे पहले सेल को किया था, सेल पाकिस्तान को भी किया था कवर, आप देख सकते हैं TRG को भी कवर किया है। बहरहाल वो असल में मेरे पास रिक्वेस्ट आती है, तो उसी को देखते हुए मैं कहता हूँ कि चलो एक शॉर्ट वीडियो बनाऊँ ताकि लोग साथ साथ सीख भी लें, समझ भी लें, तो वीडियो में जरा आसानी हो जाती है और एक रिकॉर्ड में एक बात रह भी जाती है कि बाद में जो है बाद में भी देख सकता है कि भाई एनालिसिस क्या क्या था, अब क्या कहते हैं एनालिसिस। तो क्विज फूड का मैंने पहले किया भी नहीं था, अभी काफी फरमाइश आ रही थी क्योंकि इसमें फ्लक्चुएशन हम काफी देख रहे थे। अगर आप, ये मैंने वीकली चार्ट लिया हुआ है, ये देखें यहाँ पे ये काफी 3.54 से लेके देखें यहाँ पर इसने ये जो है 5.60 रुपए का हाई किया, फिर इसके बाद ये यही है, मतलब समझे इसी एरिया में ये एक्यूमुलेशन इसकी चलती रही है। लेकिन अगर मैं देखूँ तो ये वाला एरिया हम ले लें बीच का 3.70, ठीक है ना। वैसे तो इसने भी यहाँ लो भी किया था 3.29 का, तो ये समझे 3.60 3.70 यहाँ से लेके फिर ये यहाँ पे ये 5.25, फिर ये फ्लक्चुएशन इसकी चलती रही 3.90, तो ये तकरीबन समझे 3.60 3.70, फिर इसके बाद जो है फिर यहाँ पे ये 5.50 5.23 5.25 यहाँ पर ये यहाँ एक्यूमुलेशन इसकी चलती रही है नैरो बैंड में। अगर हम देखें तो यहाँ ज्यादा इसमें यहाँ पे फ्लक्चुएशन नहीं थी, फ्लक्चुएशन अब यहाँ आना शुरू हुई वीकली पे देखें। जब से ये आपको पता है कि ये गाजा में जो इसराइली जो है वॉर हुई थी, वहां पे उन्होंने वहां पे मैकडोनल्ड ने और ये बहुत सी कोको कोला कंपनी ने स्पेशली जो इनकी हिमायत की इस वॉर की, तो उसका आपने देखा पूरी दुनिया में इंक्लूडिंग पाकिस्तान बॉयकॉट किया गया, मैकडोनल्ड्स, KFC, कोको कोला, पेप्सी। तो ये इनका जो बिजनेस है वो फूड एंड बेवरेज का ही है, कुछ आप जानते होंगे बहुत मशहूर है, आइसक्रीम सोडा इनका चलता है, कुछ सिरप, वैसे तो ये दूसरे भी सिरप बनाते हैं, शरबत जिसे हम बोलते हैं। तो इनका क्विज वालों को आइसक्रीम सोडा ज्यादा मकबूल है, जिस तरह रूह अफ़ज़ा में रेड अगर आप शरबत देखें तो उसमें लाल शरबत में रूह अफ़ज़ा चलता है, तो ग्रीन में जो है ये क्विज का नाम चलता है। लेकिन अब जब से इन्होंने, इससे पहले भी इन्होंने अपना बिजनेस एक्सपेंड किया था, जूसेस की तरफ आए थे, अब इन्होंने कोल्ड ड्रिंक की तरफ, जाहिर सी बात है आपने देखा होगा, नोटिस भी किया होगा कि मीजान वालों का जो मीजान फूड है, कोला नेक्स्ट ने काफी बम्पर सेल की है इस बॉयकॉट के बाद, इन्होंने इसका अच्छा भरपूर फायदा उठाया, तो इसका फायदा कई कंपनी ने उठाया, गोरमे है इसमें, फिर क्विज भी शामिल हुआ, तो काफी कंपनीज हैं जिन्होंने एंट्री ली है कोल्ड ड्रिंक्स में, स्पेशली जो ब्लैक ड्रिंक है, तो इसकी भी सेल्स में हमने इंक्रीज देखा है, जो यहाँ से आपको पता चल जाएगा। देखें यहाँ पे जो सेल्स आई है उस पे हमने देखें काफी अच्छा इंक्रीज देखा है, तकरीबन अगर हम देखें तो इसमें 151% हमने सेल्स में इंक्रीज देखा है यहाँ पे। उसकी वजह यही है कि ये अच्छा, इनके जो आपको तो पता होगा, जो जो इनके जो मेजर जो क्लाइंट है वो जो शादी हॉल वगैरह वही होते हैं, वही क्वांटिटी में जो है बल्क क्वांटिटी में वो आइटम लेते हैं कोल्ड ड्रिंक ऑब्वियसली। तो उसमें आपने खुद भी ऑब्जर्व किया होगा कि काफी शादी हुई है पार्टीज में जो है ये कोल्ड ड्रिंक है क्विज की चलती रही है, या कोलर नेक्स्ट की हुई है, तो इनका इस्तेमाल रहा है, रिटेल सेल भी इनकी है लेकिन इतनी ज्यादा नहीं है, बल्क में जो है इनकी सेल काफी है। तो इसी का इम्पैक्ट जो हम इस इनकी जो भी रिसेंटली जो भी आई है रिपोर्ट, फाइनेंशियल रिपोर्ट, इसका हम फर्स्ट क्वार्टर कहेंगे, इसका ईयर एंड जो है मैं आपको बता दूं यहाँ पे, इसका ईयर एंड जून है, ठीक है, मैं यहाँ आपको बता देता हूँ, इसका ईयर एंड जून है और इसका फ्री फ्लोट जो है वो 70% है, मार्केट में जो इसके शेयर जो है वो 70% है, ठीक है। यहाँ पे अब EPS में देखें काफी फ्लक्चुएशन रही है और सेल्स में भी, तो इस दफा का मतलब बम्पर तो नहीं कहेंगे, जो हाईएस्ट सेल्स एवर, अगर 2021 से हम कंपेयर करें तो 2024 में एक हाईएस्ट सेल जो है इंक्रीज, यहाँ ग्रेजुअली देखें सेल्स में हम इंक्रीज देखते रहे और यहाँ पे और मजीद इजाफा हो रहा है और आने वाले क्वार्टर में हो सकता है और मजीद इसमें इजाफा हो। तो इस दफा भी फर्स्ट क्वार्टर, ये जो है फर्स्ट क्वार्टर
जो है फाइनल के बाद जो फर्स्ट क्वार्टर आया है वो अच्छा है, उसमें सेल्स भी हमने इस क्वार्टर में अच्छी इंक्रीज होते हुए देखी है। ठीक है, ये मैं आपके साथ फर्स्ट क्वार्टर का कर रहा हूँ क्योंकि फाइनल आ चुका है, जैसे मैं आपको अभी बताया कि जून एंड है तो ये फर्स्ट क्वार्टर का रिजल्ट है। तो फर्स्ट क्वार्टर में एक अच्छा हमने इसमें प्रोग्रेस देखी है उसकी। ठीक है, और इसके बाद जो है फिर हमने यहाँ पे इंक्रीज देखा ऑपरेटिंग, इसी का जो इम्पैक्ट आया ऑब्वियसली ऑपरेटिंग प्रॉफिट पे आया, ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी 290% हमने इसमें इंक्रीज देखा है। और इसके बाद जो लेवीज जो है, जो आपको पता है भी रिसेंटली बजट में जो है उन्होंने इंक्रीज कर दिया था, तो ये थोड़ा सा बढ़ गया है, तो जिसकी वजह से थोड़ी सी ईपीएस और कम आई, वरना अगर ये लेवीज जो है इतनी बड़ी भी नहीं होती, एग्जम्पशन नहीं मिलती है हमको तो इसमें से एग्जम्प्ट नहीं होता ये, तो इसका असर जो है वापिस ईपीएस पे आता, तो हमको यहाँ पे ईपीएस थोड़ा और इंक्रीज होता हुआ नजर आता है। ठीक है, बहरहाल फिर भी अगर हम ओवरऑल देखें तो पहले ये प्रॉफिट आफ्टर लॉस था, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो लॉस था, सॉरी लॉस आफ्टर टैक्स था LAT, वो तकरीबन जो है 3.6 बिलियन था। ठीक है, अब इस वक्त जो है 1.2 बिलियन रुपीज हो गया है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में कन्वर्ट हो गया है। तो इस तरह से अगर हम देखें तो PAT जो है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, वो तकरीबन 132% जो इंक्रीज हुआ है, 132 32.5 के अराउंड जो है PAT में हमने इंक्रीज देखा है। तो ओवरऑल देखें इसकी प्रोग्रेस अच्छी है, अगर इसी तरह कंटिन्यूएशन रही, सेल्स में इंक्रीज हम देखते रहे तो आने वाले दिनों में हम अच्छा इसमें और मजीद प्रॉफिट देखेंगे और ईपीएस पे भी अच्छा इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा। तो चले हम आ जाते हैं इसका टेक्निकल की तरफ। अच्छा, इसकी इसी वजह भी यही है कि देखे ना, यहाँ पे ये 7 रुपए 22 पैसे, और इवन ये जो है इसने इसका हाई भी 8 रुपीज 80 पैसा 70 पैसा, यहाँ पे ये हमने रिजेक्शन भी विटनेस की है इस एरिया में। ठीक है ना, इसने हाई भी किया है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे हमने सेलिंग विटनेस की है, ये वाला एरिया जो स्पेशली, ठीक है ना, यहाँ यहाँ रिजेक्शन आई है इन एरियाज में। ठीक है, 8 रुपए 74 पैसे के अराउंड ये एक रिजेक्शन एरिया था, यहाँ पे हमने रिजेक्शन देखी। वैसे अगर देखा जाए तो CPR का जो अपर बैंड है 8 रुपए 26 पैसे। ठीक है, यहाँ पे कई दफा देखे, 1 2 3 4 4 हफ्तों के दौरान जो है ना इसने इसको रिटेस्ट किया है और यहाँ से रिजेक्शन आई है। असल एरिया जो है वो 8 रुपए 26 पैसे का है, 8 रुपए 26 25 पैसे 30 पैसे, ये जो है एरिया है। ये अगर सस्टेन करता है वीक ऑन वीक बेसिस पे अच्छे वॉल्यूम्स के साथ, तो आने वाले दिनों में जो है ये 10 रुपए रिटेस्ट कर सकता है। ठीक है, वो मैं आपको अभी बाद में बता दूंगा इसका फिबोनाची, जब इसको प्लॉट करेंगे तब मैं आपको बता दूंगा। अभी फिलहाल देखें तो यहां पर जो है ये वाला एरिया, जिस तरह मैंने आपको कहा, तो इसका मैंने कि ट्रेंड लाइन यहां से पहले से बना के रखा हुआ है, तो और इसकी सिंक्रोनाइजेशन भी तकरीबन इसके साथ ही आ रही है, जो मिडिल बैंड है 7 रुपए 1 पैसे। ठीक है ना, अभी भी इसने रिसेंटली 7 रुपए 13 पैसे का हाई किया, वहां पे फिर हमने रिजेक्शन विटनेस की, तो अब ये जो है यहाँ पे रिजेक्शन शो कर रहा है। तो इसी ये जो पूरा ये जो बना है कैंडल स्टिक का चार्ट जो बना है, जो जो आपको इसका रिफ्लेक्शन नजर आ रहा है पूरा, कि भाई यहाँ पे सेलिंग आ रही थी और फिर यहाँ पे सपोर्ट भी आ रही थी। अच्छा, सपोर्ट का जो एरिया है, मैं एरिया ऑफ वैल्यू आपको बता देता हूँ प्राइस एक्शन के हिसाब से भी, बल्कि हम प्राइस एक्शन ही ले लेंगे। ठीक है ना, ये हम इसको यहाँ से प्राइस एक्शन लेंगे। देखिए यहाँ पे ये इसका हाई था 5 रुपए के अराउंड, फिर इसने यहाँ पे लो किया 4.50 का, फिर यहाँ से अपसाइड हमने विटनेस किया, तो ये यहाँ पे जो है इसको इसने ब्रेक किया, ब्रेकआउट मिला, तो ये एक इसका सपोर्ट एरिया 5 रुपए 1 पैसे या 5 रुपए के अराउंड बनता है। ठीक है, और फिर इसने यहाँ से जैसे दूसरी दफा दो दफा इसको बॉटम किया। ठीक है ना, ये वाला एरिया जो है तकरीबन 4.5 रुपए का बनता है, 4 रुपए 50 पैसे 51 पैसे। देखें यहाँ पे इस वीक इससे पहले जो वीक था 15 जुलाई वाला वीक था, यहाँ पे 4.5 किया और क्लोजिंग जो है नीचे ही दी है इसने, तकरीबन 4.5 4.55 के अराउंड यहाँ क्लोजिंग दी थी, फिर इसने अगेन 4.5 का आएगा और इसको ब्रेक किया ये वाले एरिया को 5 रुपए को। तो ये वाला एरिया जो है इस वक्त वीकली पे एरिया ऑफ वैल्यू है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑब्वियसली यहाँ बाइंग बनती है, इसके दरमियान एंट्री बनती है, जैसे कि आपने देख यहाँ पे विटनेस भी किया है कि ये इसी की अपर बैंड पे ही जो है 5 रुपए पे, वही अगेन जिस तरह मैंने कहा डबल बॉटम लगा। ठीक है, इसके बाद एक बुलिश कैंडल फॉर्म हुई, जिसे हम टेक्निकली ट्यूजर बॉटम कहते हैं।
अच्छा ट्यूजर बॉटम क्या होता है? ट्यूजर बॉटम ये होता है कि ये दो यहाँ पे कहीं विक बने, यहाँ से बायर एक्टिवेट हो, ठीक है, और इस तरह का डोजी बन जाए, ठीक है ना। तो ऐसे दो डोजी बन जाए, तो इसके बाद जो वो बुलिश कैंडल बनती है इसके ऊपर, ठीक है, और ये इसके हाई को जो ब्रेक करती है, ये वाला जो हाई इसने किया था, हम यही समझ लें कि यहाँ पे रिजेक्शन आई थी 5 रुपए 98 पैसे, 6 रुपए, इसको इसको ब्रेक करके जब अपर साइड पे गया तो ये ट्यूजर टॉप ट्यूजर बॉटम कराएगा। और इसके बाद देखिए अब यहाँ पे जो है इसके नीचे कैंडल नहीं बनी, ठीक है, 5 रुपए। अगर पूरे वीक में देखें तो वैसे तो ये स्टॉक आया था 5 रुपए 40 पैसे तक भी आया था नेक्स्ट वीक में इस बुलिश कैंडल के बाद, लेकिन इसको निगेट नहीं किया, ठीक है, इसकी कंफर्मेशन हुई है इसकी, यहाँ पे आके डार्क क्लाउड कवर बनाया। ऑब्वियसली रिजल्ट जो है आया था, लेकिन लोगों को अभी पता नहीं चला है, लोगों ने अब देखेंगे इसको समझेंगे। सर मैंने आपको भी वीडियो बना के बताया है कि यहाँ पे हम इंक्रीज देख रहे हैं, तो हो सकता है कि ये इसको जो ये बुलिश जो बेरिश जो है डार्क क्लाउड कवर बना है तो इसको निगेट भी करे, निगेट करके अपसाइड पे मूवमेंट दिखाए तो ये वापस जाके 8 रुपए 26 पैसे लेके 8 रुपए 74 पैसे पे फिर रेजिस्ट और रिजेक्शन यहाँ पे शो कर सकता है। अच्छा अब हम आ जाते हैं इसके टारगेट जो मैंने आपको बताया 10 रुपए, तो हम इसको मैं ये क्लियर कर दूं, ठीक है। अब यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ फिबोनाची प्लॉट करके, ठीक है, इस ये एरिया ले लें, बल्कि हम यही वाला एरिया लेंगे क्योंकि हमने रिजेक्शन विटनेस की है। तो मैं इस तरह से आपको समझाता हूँ, देखो हम अगर लाइन चार्ट लेंगे ना तो आपकी ये नॉइस क्लियर हो जाती है, जो रिजेक्शन और जो विक्स बनी होती है ना वो क्लियर हो जाती है। आपको जो सॉलिड जो मिलता है जहाँ पे सही मानों में जो लेवल है जहाँ पे सॉलिड बाइंग और सेलिंग आई है वो आपको यहाँ से मिल जाएगा, ठीक है। तो ये अपर साइड पे आप इसको ये लेंगे फिबोनाची का, और लोअर साइड पे ये वाला एरिया ले लेंगे, ठीक है। अब जैसे मैंने आपको बताया 5 रुपए पे विक बनी थी, वो विक क्लियर हो गई, तो 5 रुपए 33 पैसे असल जो इसकी जो बॉडी बन रही थी वो 5 रुपए 33 पैसे बन रही थी, और यहाँ पे 8 रुपए 29 पैसे पे यहाँ पे बॉडी बन रही थी। इसके आगे जो है सारे नॉइज था रिजेक्शन का जहाँ पे हम देख रहे थे, और मैंने बताया था 4 कंसेक्यूटिव वीक जो है यहाँ पे ये सस्टेन करता रहा है, और यहाँ पे रिजेक्शन हम विटनेस करते रहे। यहाँ पे 8 8 30 से लेके और 8 80 के दरमियान जो इस हफ्ते में हमने देखा पूरे 4 4 वीक्स में यहाँ पे, तो ये सब नॉइस क्लियर हो गई है। तो इसी को देखते हुए देखिए यहाँ 10 10 रुपए 12 पैसे आ रहे हैं, मैंने 10 रुपए लिया राउंड में, ठीक है। और नेक्स्ट टारगेट जो है ये इसका फिबोनाची का, जो आपको पता भी है जो मुझे फॉलो कर रहे हैं, 1.618 इसका ये गोल्डन रेशियो कराता है, और ये इसका इन्वर्स कराता है 7 रुपए 16 पैसे, ठीक है। तो 7 रुपए 16 पैसे यहाँ पे ये इसको ये अगर ब्रेक करता है, ठीक है, तो मैंने यहाँ 7 रुपए दिया हुआ है, ठीक है, अच्छी बात है, मतलब 7 रुपए 16 पैसे और जो है अच्छा है, और टू बी ऑन द सेफ साइड। अगर 7 रुपए 16 पैसे 15 पैसे ये पूरा हफ्ता वीक जो है सस्टेन करता है तो ये फिर अपर बैंड जो है 8 रुपए 29 पैसे का और इवन 8 रुपए 74 पैसे का रिटेस्ट कर सकता है। डायवर्जेंस अभी इस वक्त कोई भी नहीं आ रही RSI में, ठीक है, RSI भी इस वक्त जो है उस पे चल रहा है, मीडियम पेस पे चल रहा है, ना ओवर सोल्ड है ना ओवर बॉट है वीकली पे। तो यहाँ पे ऑब्वियसली जाहिर सी बात है नीचे पे अगर आता है तो यहाँ पे बाय यहाँ एंट्री लेनी चाहिए, ठीक है। अच्छा अब एक और भी देखें, हमको फिबोनाची के हिसाब से भी जो यहाँ पे हमको एक ये ट्रेंड लाइन मिल गई है, हम ये भी एक ट्रेंड लाइन हम ले सकते हैं फिबोनाची की। इसकी अगर हम देखें तो इतने ड्यूरेबिलिटी जो है इतनी स्ट्रांग नहीं है, लेकिन फिर भी हम इसको ले सकते हैं यहाँ पे टू बी ऑन द सेफ साइड, कभी ठीक है अगर इसका ब्रेकआउट मिलता है। इसको भी मैं यहाँ आपके यहाँ इसको भी मैं रेड कलर दे देता हूँ, चले ये रेजिस्टेंस यहाँ पे फिबोनाची का, ठीक है, तो ये भी इसको भी मैं थोड़ा सा और बोल्ड कर दूं, ठीक है, तो ये भी एक रेजिस्टेंस लेवल है। तो अगर मैं आपको कैंडल स्टिक से देखें कोई हुआ देखें यहाँ पे ये इसने यहाँ पे इसको ब्रेक किया इस वाली कैंडल ने, लेकिन नेक्स्ट वेरी नेक्स्ट वीक में जो है इसने इसको निगेट किया है, इसी मतलब समझिए ये ट्रेंड लाइन जो है ये ब्रेक हुआ है, और ब्रेक होने के बाद फिर इसकी कंफर्मेशन नहीं मिली। जैसे मैंने आपको बताया था ना ये कैंडल जो थी इसकी कंफर्मेशन मिली नेक्स्ट बुलिश के साथ, लेकिन अगेन जो है ये ब्रेकआउट जो हुआ था इस और उसके एक तरह से कहेंगे फेक आउट हुआ है क्योंकि उसको एक बेरिश कैंडल ने निगेट किया है। तो अभी फिलहाल जो है अगर कम से कम भी ना ये वाला लेवल जैसे मैं आपको बता रहा हूँ ना अभी नीचे क्लोज हुआ है, तो ये वाला लेवल 6 रुपए 40 पैसे
तकरीबन 6 रुपए 40 पैसे 50 पैसे ये अगर सस्टेन करता है इनिशियली, तो फिर अगेन यही जो है 7 रुपए 7 रुपए के बाद जो है फिर 8 रुपए 26 पैसे 8 रुपए 74 पैसे, और ये जो मैं आपको बता रहा हूँ गोल्डन रेशियो 10 रुपए 12 पैसे 10 रुपए के राउंड, ठीक है। अगर ये सस्टेन करता है और ब्रेक होता है और सस्टेन करता है, तो फिर ये 13 रुपए का अगला टारगेट होगा। यहां मैं लिख देता हूं, अगला टारगेट जो है वो 13 रुपए का होगा टारगेट प्राइस, ठीक है। एक ये टारगेट होगा, और इसको भी मैं क्लोन करके नीचे कर देता हूँ, एक ये टारगेट होगा, ठीक है। इसको मैं रिमूव कर देता हूँ, फिबोनाची को आप समझ गए होंगे, ठीक है। अब आप अगर हम महीने का मंथली चार्ट भी एक नजर डाल लें, क्योंकि हम पूरा एनालिसिस कर रहे हैं, ठीक है। तो यहां से भी हम एक ट्रेंड लाइन ले लें जो हम जिसकी रिलायबिलिटी स्ट्रांग होती है। ये जो मैंने लिया इसकी रिलायबिलिटी वीक होती है, हमने ले लिया एहतियातन, ठीक है। तो इसको भी थोड़ा सा मैं नीचे कर लूँ, आपको बता दूँ, ये यहाँ से मैं एक और ट्रेंड लाइन लूंगा अपर साइड के लिए, ठीक है। ये वही हाई था यहाँ पे 6 रुपए 10 पैसे का, तो यहाँ से हम इसको लेंगे, ठीक है। ये ब्रेक हुआ, ये मंथली का जो था ये ब्रेक किया है 6 रुपए 10 पैसे का, और 8 रुपए 80 पैसे इसने हाई दिखाया है। तो अगेन जिससे मैंने आपको बताया, ये वाला एरिया जो है आने वाले दिनों में, जैसे ये यहाँ पे एक्यूमुलेशन हो सकती है यहाँ पे, ठीक है। जिस तरह हम मैंने आपको बताया कि प्राइस में इसकी काफी फ्लक्चुएशन आती है, 5 रुपए से 7 रुपए, भी बीच में रिसेंटली 5 रुपए आया, फिर इसके बाद 15 दिन के अंदर ही इसने भी 7 रुपए फिर दिखाया। तो जैसी बात, वो उसी वजह से था कि अनाउंसमेंट आने वाली थी। लेकिन अभी बात ये जो है इंक्रीज की, जो मैंने आपसे बात की है बिजनेस में सेल्स की, इंक्रीज में सेल्स में, तो इसको देखते हुए हायर चांसेस हैं कि स्टॉक मजीद अपसाइड पे परफॉर्म कर सकता है। मतलब समझे, ये 10 रुपए 10 रुपए से लेके ये हमारा लेवल, जिस तरह मैं आपको बताऊं ना, ये वाला लेवल 8 रुपए 26 पैसे का ये सस्टेन करता है, ठीक है। तो ये यहां से इसको ब्रेक करेगा, ब्रेक करके 10 रुपए और 13 रुपए तक ये यहां तक जा सकता है। ये मैं आपको यहाँ पे बना के भी बता देता हूँ कि इसके ब्रेक करने के बाद इसका जो टारगेट होगा वो यहां तक 13 रुपए तक पे टारगेट जा सकता है इसका, ठीक है। इसको मैं ब्लैक कलर दे देता हूँ। तो इसी को देखते हुए अपनी ट्रेड की स्ट्रेटेजी प्लान करें, और अगर आप चाहें तो आने वाले दिनों के लिए इसको होल्ड करके रखें इस टारगेट प्राइस के लिए लॉन्ग टर्म के लिए। तो अच्छा स्टॉक लग रहा है लॉन्ग टर्म के लिए, क्योंकि सेल इसकी इंक्रीज हो रही है। दैट्स ऑल फॉर नाउ, टेक केयर, गुड लक एंड अल्लाह हाफिज़।